गाइस, आज हम बात करेंगे रियान कुगलर के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों चलिए जानते हैं उसके बारे में। रियान कुगलर का जन्म 23 मई 1986 में हुआ था। रियान कुगलर ने अपने करियर की शुरुआत 2013 से की थी और उसकी पहली मूवी का नाम था फ्रूट वेल स्टेशन। फ्रूटवेल स्टेशन का बजट था 900 मिलियन डॉलर और इस मूवी को यूनाइटेड स्टेट में ही रिलीज किया गया था। ये मूवी रिलीज हुई थी 12 जुलाई 2013 में और इस मूवी ने कमा लिए थे 17 मिलियन डॉलर। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमा लिए थे 110 करोड़ रुपए। दोस्तों रियान कुगलर की सेकंड मूवी का नाम था क्रीड। ये मूवी रिलीज हुई थी 25 नवंबर 2015 में। और इस मूवी का बजट था 40 मिलियन डॉलर, फिर भी इस मूवी ने कमाए थे 175 मिलियन डॉलर। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 280 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 1100 करोड़ रुपए, यानी कि 1100 करोड़ रुपए। और दोस्तों रियान कुगलर की नेक्स्ट रिलीज थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। और दोस्तों आप ये भी जानते होंगे ब्लैक पैंथर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों 2013 में अपना करियर स्टार्ट किया, फिर भी दो मूवी डायरेक्ट करने के बाद भी रियान कुगलर को इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहां से मिल गया। रियान कुगलर ने जो मूवी डायरेक्ट की थी वो मूवी का बजट भी बहुत लो था, फिर भी रियान कुगलर को ब्लैक पैंथर मूवी मिल गई। और ब्लैक पैंथर के बाद रियान कुगलर ने अपने आप को साबित कर दिया। कम मूवी डायरेक्ट करने के बाद भी रियान कुगलर ने ब्लैक पैंथर को 930 मिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।